छोटा था, दूसरा जाने का था। अरे एशिया अफ्रीका है वो। एशिया अफ्रीका। हेलो राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज फ्राइडे है और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, तो मैं घर के सारे काम से फ्री होकर के ना यहाँ मार्केट आई हूँ अपने लिए चप्पल लेने। आपको याद हो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मेरी जो चप्पल है, नई चप्पल पार्टी वियर चप्पल जो है, बंदर उठा करके ले गए। तब से मैं जो है शूज़ का ही यूज़ कर रही हूँ। कहीं भी जाती हूँ स्कूल तो शूज़ पहन के ही जाती हूँ, वैसे भी कहीं जाना होता है तो शूज़ ही पहन करके जाना पड़ता है मजबूरी में। तो इसलिए आज मैं अपने लिए सैंडल या स्लीपर जो भी पसंद आ जाए वो लेने आई हूँ, क्योंकि वैसे तो टाइम मिलता नहीं है, इनके रेस्टोरेंट के चक्कर में टाइम ही नहीं मिल पाता। आज छुट्टी है तो आज टाइम निकाल पाए हैं, सो मैं यहाँ पर वही पसंद कर रही हूँ जो पसंद आ जाए। और अभी हम यहाँ पर ये फल की ठेल पर आए हैं केले लेने के लिए। तो अम्मा ने जब हम आए थे केले के लिए बोला था अपने लिए, तो हम उनके लिए भी ले ले रहे हैं, फिर साथ में अपने लिए भी ले ले रहे हैं। तांशु का भी पेट थोड़ा सा ऐसा ही है, सो केले खा लेगा तो उसको भी थोड़ा सा आराम मिलेगा। और मैंने मार्केट से लौट के आके पहले सबसे पहले कपड़े चेंज किए, साड़ी पहनी है आज। मैंने कहा चलो आज साड़ी पहन करके पूजा करते हैं, रोज़ सूट में ही रहते हैं। सो अभी ये साड़ी पहन करके आई हूँ और ये सबसे पहले मैं हलवा बना रही हूँ सूजी का। और ये देखिए घी रखा हुआ था जो मैंने पहले बनाया था, फ्रिज में रख दिया था एक्स्ट्रा घी जो था। सो ये मैं अभी इसको मेल्ट कर ले रही हूँ क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था तो बहुत टाइट हो रहा है ये। और हलवा भी बनने को तैयार है तो मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। और इस व्रत में माता रानी के भोग के लिए कुछ मीठा रखना होता है, सो मैं ये सूजी का हलवा बना लेती हूँ हमेशा। वैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी मीठा बना सकते हो या फिर आप गुड़िया चीनी का भी भोग लगा सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको मीठा बनाना ही बनाना है, गुड़िया चीनी का भी भोग लग जाता है। और ये लीजिए, इसी के साथ हलवा बन करके तैयार है, मैंने बाउल में कर लिया है इसे। और अभी मैं ये लगा दे रही हूँ पूजा वाली जगह पर जहाँ मैं पूजा बैठ के करूँगी, वहाँ पर पोंछा लगा दे रही हूँ। वैसे तो लग चुका था सुबह पोंछा, लेकिन फिर भी है ना पूजा करने से पहले एक बार जहाँ पूजा कर रहे हो वहाँ पे पोंछा लगाना जरूरी है। और ये पूजा ना शाम को सूरज ढलने से पहले होती है। और फ्रेंड्स अभी मैं वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करने जा रही हूँ और आज मैं आपसे पूरी विधि शेयर करूंगी कि वैभव लक्ष्मी माँ की जो पूजा है वो कैसे की जाती है। तो ये देखिए अभी मैंने चौकी बिछा दी है, चौकी के ऊपर ये कपड़ा डाल दे रही हूँ मैं। तो ये जो मैं साड़ी पहनी हूँ ना उसी का ये ब्लाउज पीस है, मैंने सिलवाया नहीं था क्योंकि इसके साथ में ये प्लेन मैरून कलर का ब्लाउज मैच कर लेती हूँ। सो ये कोरा रखा हुआ है। वैसे मैं येलो कलर का कपड़ा यूज करती थी बट कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप जो है लाल कलर का कपड़ा यूज करें। सो ये मैरून कलर का है, लाल तो नहीं है बट मैरून है, बट लाल सा ही है। सो मैं इसको यूज कर ले रही हूँ पूजा के लिए। और ये चौकी पे रख गया है और अभी देखते हैं मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ पूजा के लिए और कैसे करती हूँ मैं वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा और सबको कैसी करनी चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। तो सो अभी मैं तैयारी कर लूँ। और इस वक्त में ना महालक्ष्मी यंत्र को पूजा जाता है। तो ये हमारे ससुर जी यानी कि पापा जी जो है लेकर के आए थे, तीर्थ यात्रा पे गए थे, चार धाम की यात्रा पे गए थे, तब वहाँ से ये लेकर के आए थे जिसमें जो है लक्ष्मी यंत्र की किताब है, इसमें ये चरण पादुका है, शंख है, लक्ष्मी गणेश जी का ये सिक्का है, यहाँ लक्ष्मी जी हैं, ये कछुआ है और ये महालक्ष्मी जी का यंत्र है, तो सब कुछ है इसमें। सो ये मैं देवी पूजा में लगा देती हूँ। और लक्ष्मी माँ की एक तस्वीर भी है मेरे पास तो उसको रख लेती हूँ मैं। और ये चौकी में इस साइड मंदिर की जस्ट नीचे लगाती हूँ क्योंकि यहाँ मंदिर है तो मंदिर की जस्ट नीचे लगा देती हूँ मैं। और ये किताब है वैभव लक्ष्मी माँ की जिसमें पूरी पूजा की विधि दी हुई है, उद्यापन की भी विधि है, सब कुछ है इसमें, कथा भी है इसमें। तो ये भी मैं रख लेती हूँ। और ये काफी पुरानी हो रही है इसलिए इसकी कंडीशन ऐसी हो रही है,
क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी जब फास्ट रखे थे तो इसी किताब का यूज किया था मैंने, और अभी भी यही यूज कर रही हूँ मैं। सो अभी बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। और अब मैं आपको पूजा की पूरी विधि बता देती हूँ। तो सबसे पहले चौकी रखी, चौकी पे कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर ये एक मुट्ठी भर चावल का ढेर किया, और चावल जो है साबुत होने चाहिए क्योंकि पूजा पाठ के काम में ना हमेशा साबुत चावल का ही यूज़ किया जाता है। फिर उसके ऊपर तांबे का कलश रखा पानी भरकर, फिर इसके ऊपर एक प्लेट या कटोरी रख ली, और फिर उसमें जो है सोने का गहना, सोने का ना हो तो चांदी का हो या फिर आप सिक्का भी रख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर अपनी सोने की अंगूठी रखी है जो कि मैं अपने हाथ में पहनती हूँ, और ये इसमें जो है लाल रंग के फूल का यूज़ होता है, तो मैं ये जो है गुलाब के फूल लेके आई हूँ। वैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है गुलाब के फूल ही यूज़ किए जाएं, बस लाल रंग का फूल होना चाहिए। और फिर घी का दीपक और धूपबत्ती दोनों ही करने हैं। सो मैं यहाँ पर घी के दीपक के लिए बाती तैयार कर ले रही हूँ और धूपबत्ती भी बना ले रही हूँ, तो ये दीपक भी जला दे रही हूँ और धूपबत्ती भी करना है। और जिस प्लेट में फूल है ना उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी चावल ले रखे हैं, जो जिससे जो है श्रीयन जी का माता लक्ष्मी का टीका होगा और चावल उन पर चढ़ाए जाएंगे। सो हल्दी की जगह रोली का भी यूज़ हो जाता है, पर मेरे पास हल्दी है तो मैं हल्दी रख ली है मैंने। और भी सारी पूजा की तैयारियां कर ली हैं मैंने, और पूजा की तैयारियां करने के बाद उठते नहीं है, फिर सीधे पूजा पूरी करने के बाद ही उठना होता है। सो अभी सबसे पहले पूजा की तैयारियां करने के बाद सबसे पहले जो किताब में पीछे श्रीयंत जी की पिक्चर दी होती है उनको प्रणाम करना है, और मेरे पास वैसे भी श्रीयंत है महालक्ष्मी जी का, सो सबसे पहले उनको प्रणाम करना है, माथा टेकना है। उसके बाद बुक में ना जो माता रानी के सात रूप दिए हुए हैं उनको प्रणाम करना है। वैभव लक्ष्मी माँ के सभी रूपों को प्रणाम करने के बाद फिर जो हमें सोने के गहने की पूजा करनी होती है, मतलब जो भी रखा है हमने सोने का है चांदी का है जो भी सिक्का है उसको हमें हल्दी चावल से पूजना होता है। अगर आपने रोली रखी है तो रोली से पूजिए, और उसके बाद फिर जो है भोग लगाना होता है, फिर लाल रंग का फूल चढ़ा दीजिए और फूल भी साबुत होना चाहिए। और बाकी के जो बचे हुए फूल हैं ये मैं जो है माता रानी की जो मैंने तस्वीर रखी है उन पे चढ़ा दूंगी, बाकी इस पे तो हमें सिर्फ एक ही चढ़ाना है, सोने के गहने पे या जो भी चांदी का है सिक्का जो भी उस पे सिर्फ एक ही रखना है, एक ही चढ़ाना है। और जब हम ये सोने के गहने की पूजा करते हैं ना तो उसके साथ साथ एक मंत्र भी बोलना होता है जो कि इसमें अब किताब में ही दिया हुआ है। तो किताब में वैसे पूरी विधि दी हुई है सब कुछ, मतलब आपको कैसे पूरी पूजा पाठ करनी है, कैसे उद्यापन करना है, सब कुछ दिया हुआ है। और सोने के गहने की पूजा करने के बाद फिर मैंने लक्ष्मी माँ को महालक्ष्मी अंत को टीका लगाया, चावल चढ़ाए हैं, भोग अर्पण किया है। इसके बाद फिर जो है मैंने कथा पढ़ी है, इसमें कथा है पूरी वैभव लक्ष्मी माँ की, वो कथा मैंने पूरी पढ़ी है। उसके बाद फिर आरती कर लेनी है, आरती करके जो है 11 बार जय माँ लक्ष्मी बोलना है, बस आपकी यहाँ पर पूजा पाठ हो जाती है। और जो भी आपकी मनोकामना है पूजा करने के बाद आरती करने के बाद वो आप अपनी मनोकामना बोलें, और आपको कितने मतलब वैभव लक्ष्मी व्रत रखने हैं तो मतलब ये इसमें 7 रख लीजिए आप, या 11 रखना चाहते हैं तो 11 रख लीजिए, या 21 रखना चाहते हैं तो आप 21 भी रख सकते हैं। सो इसमें 7, 11, 21 का होता है। फिर उसके बाद जो है अपना लास्ट वाला जो शुक्रवार होता है, सो आप लास्ट वाले शुक्रवार को अपना अध्यापन कर दीजिए। और अध्यापन करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप फिर से नहीं रख सकते, जब आपका मन अध्यापन करने के बाद आप फिर से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। मैं चौथी बार रख रही हूँ, 2 बार शादी से पहले रखे थे, फिर तीसरी बार मैंने शादी के बाद रखा, अध्यापन किया था, और इसके बाद अब ये चौथी बार है मेरा, और आज मेरा 16वां शुक्रवार है। तुम्हें को निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन धावत, हर विश विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। ओम और अभी सारी पूजा पाठ हो गई है, बस खाने की तैयारी में लगूंगी मैं।
और किचन में आने से पहले सबसे पहले मैंने साड़ी से सूट में आई हूँ मैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और ये वाला सूट मैं बहुत पहनती हूँ। आप लोग भी कहते हैं कि मैं इस वाले सूट को बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। तो इस सूट का जो पैंट है थोड़ा सा लूज़ टाइप का ना, तो गर्मी में थोड़ा सा कम्फर्टेबल होता है। बाकी लेगी वगैरह है ना तो पैरों में चिपक सी जाती हूँ, बहुत गर्मी लगती है, तो इसलिए मैं मोस्टली इसी को पहनती हूँ। और अभी मैंने आटा लगा करके रख दिया है और ये बॉईल किए हुए आलू भी छील दिए, और मैंने थोड़े से ज़्यादा आलू बॉईल किए हुए हैं कुछ की, तो मैं अभी सब्ज़ी बनाऊंगी। सब्ज़ी तो थोड़ी सी बनानी है मुझे, बाकी जो है सुबह मैं दही के आलू बनाऊंगी, तो सुबह इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास, तो इसलिए अभी बॉईल करके रख दिए हैं। और इसके बाद मैं सीधे पराठे सेकने में लग गई हूँ। पराठे सेकते सेकते तांशु को पढ़ाती भी जा रही हूँ, क्योंकि वैसे मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता है, तो इसलिए काम करते करते ही इसको पढ़ा पाती हूँ। एशिया अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। और अभी मैं ये आलू फ्राई कर ले रही हूँ हल्दी डाल करके, नमक मिर्च डाल करके। आज मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी नहीं बनाई है, वैसे ज़्यादातर मैं वही बनाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, लेकिन आज मैंने कहा चलो आज सूखे आलू खाने का मन कर रहा था, तो इसलिए ये आलू बॉईल करके मैंने फ्राई कर लिए हैं। और आज के दिन मैं गाय के लिए भी पराठे सेकती हूँ। गाय के पराठे में मैं एक पीस आलू का थोड़ा सा हलवा रख करके गैस पर चढ़ा दे रही हूँ अग्निदेव जी को, और पानी चढ़ा दे रही हूँ। उसके बाद फिर गैस वगैरह साफ़ करके आराम से सारा काम करके तब खाऊंगी मैं खाना। और इस चूल्हे के लिए मुझे कितने सारे लोग टोकते हैं, और मैं खुद भी इस चूल्हे को हटाना चाह रही हूँ, नया चूल्हा खरीदना चाह रही हूँ, लेकिन जब भी मार्केट जाती हूँ अकेले तो मैं खरीद नहीं सकती, और इनके साथ जब मार्केट जाती हूँ तो ये हमेशा जल्दी में रहते हैं, कोई भी सामान ठीक से लेने नहीं देते हैं, मुझे जल्दी जल्दी करते रहते हैं। और चूल्हे ऐसा सामान खरीदने के लिए टाइम चाहिए जो इनके पास पता नहीं कब होगा, क्योंकि स्कूल के बाद ये रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं और छुट्टी वाले दिन तो जल्दी चले जाते हैं रेस्टोरेंट। और अभी मैं ये सारे बर्तन धुल दे रही हूँ खाना बनाने की। और ये देखिए प्लास्टिक के स्टैंड के ऊपर 3 बोतल रखी हैं, 2 नीचे रखी हुई, कितनी सारी बोतलें इकट्ठी हो रही हैं। ये सब हमारी जो है स्कूल की पानी ले जाने की बोतल है, एक फ्रिज की बोतल रखी हुई, सब मैंने धुल करके रखी है। और फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ खाना खाने, तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ डिनर करने, पराठे और आलू की सूखी सब्जी, साथ में सूजी का हलवा है। और तांशु के लिए मैंने रोटी सेकी है, क्योंकि इनका पेट थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, खराब हो रहा है, लूज मोशन से हो रहे हैं ये, तो मैंने ये पराठों के लिए बोल रहे थे कि मुझे पराठे खाने, इज्जत कर रहे थे कि नहीं मामा मेरे लिए पराठे सेकना, मैंने बोला नहीं पराठे नहीं, आज तो रोटी ही खानी पड़ेगी, क्योंकि इनका पेट 2-3 दिन से खराब चल रहा है। क्योंकि वो क्या होता है लंच में तो पराठे लेके ही जाते हैं, जब कभी मैं राइस बना देती हूँ कभी रोटी भी रख देती हूँ मैं, लेकिन मोस्टली ये पराठे ही लेकर के जाते हैं। मैं आज इनके लिए रोटियाँ सेकी और मैंने इनसे बोली, इज्जत कर रहे थे पराठे खाने के, तो मैंने कहा था आधा पराठा दे दूँगी, ये आधा पराठा मैंने तांशु को दे दिया, तांशु इससे ज़्यादा नहीं खाओगे, आधा पराठा दे दी हूँ आपको, है ना, पेट खराब हो रहा है बेटा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ज़्यादा अगर आपकी हालत तबीयत खराब होगी तो, ठीक है ना, ओके चलो ठीक है ना, हैप्पी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ तांशु मैं समझदार, चलो आराम से बैठे खाओ खाना अच्छे से। और अभी ये जो हमने खाना खाया है उसके बर्तन भी मैं साथ के साथ धुल करके रख दे रही हूँ, क्योंकि मैं जो है रात किचन सिंक में बर्तन नहीं छोड़ती, रात के टाइम सारे माँज के ही सोती हूँ। और बर्तन धुलने के बाद साथ के साथ मैं पोंछ करके स्टैंड में भी लगा दे रही हूँ, और इसके बाद मैं सारे काम से फ्री हूँ, और अब मैं बैठ करके आराम से वीडियो की एडिटिंग करूँगी, फिर सोएंगे रेस्ट करेंगे। और अब मैं आप लोगों से विदा ले रही हूँ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।